ये क्वेश्चन है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड की पावर टू, तो ये इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ये आइडेंटिटी फिफ्थ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर टू को लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। देखो ए इज इक्वल टू कितना है एक्स, बी इज इक्वल टू कितना है टू वाई, और सी इज इक्वल टू कितना है। अब ए बी सी तो नहीं है यहाँ, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड ही मानना पड़ेगा, उसकी फॉर्म में ही है। देखो एक्स की जगह कितना है, एक्स ही है एक्स है, वाई की जगह टू वाई है, और जेड की जगह फोर जेड है, इस तरह से मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले ये लिख लो एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड, फोर जेड, जेड ऐसे बनाना 42 ना लगे का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स ही है तो एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है टू वाई, समझ ना आपको, फिर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह कितना है फोर जेड, फोर जेड का स्क्वायर, प्लस टू एक्स वाई प्लस टू, एक्स की जगह कितना है एक्स ही एक्स है, और वाई की जगह कितना है टू वाई इंटू टू वाई, फिर प्लस टू वाई जेड, टू वाई की जगह कितना है टू वाई, और जेड की जगह कितना है फोर जेड, ठीक है, फिर प्लस टू टू जेड एक्स, टू जेड की जगह कितना है फोर जेड, फोर जेड, और एक्स की जगह पर कितना है एक्स अकेला है, देखो तो एक्स की जगह पर एक्स है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू टू या फोर होता है फोर वाई स्क्वायर, प्लस फोर फोर या सिक्सटीन जेड स्क्वायर, प्लस देखो टू टू या फोर एक्स वाई, प्लस टू टू या फोर, और फोर फोर या सिक्सटीन वाई जेड, और प्लस टू फोर या एट जेड एक्स, आंसर इस तरह से करना है, ठीक है ना।